नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की मुहिम इस साल भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में पिछले कल डिस्ट्रिक्ट सोलन में दो केसेस एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। इसमें पहला केस सदर सोलन में हुआ है जिसमें दो लड़के हैं जिनका नाम संजय ठाकुर और अंकेश लालटा है। संजय ठाकुर संगड़ा का रहने वाला है, 21 ईयर्स ओल्ड है और अंकेश लालटा जो है 20 साल का है, कुपवी का रहने वाला है। इन दोनों के पोजीशन से 1.15 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। ये दोनों यहाँ पे साइंटिस्ट कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। इसके अलावा कंडाघाट थाने में एक गाड़ी से दो व्यक्तियों से जिनका नाम गौरव शर्मा और नरेश ठाकुर है, ये गौरव शर्मा जो है पुजारली का रहने वाला है, नरेश ठाकुर श्रीनगर कंडाघाट के साथ ही जो एक जगह गांव पड़ता है वहां का रहने वाला है और इनके पजेशन से 4.66 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इन दोनों केसों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और इन चारों आरोपियों को इन केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।